हमारे साथ काफ़ी सारी ट्रक्स की वीडियो आपने देखी होगी, लेकिन एक ड्राइवर से जो बात हम जान पाएंगे, जो हम बातें बताते हैं, वो उनसे काफ़ी अलग मिलती है। असली ग्राउंड रियलिटी के अंदर जो फ़र्क है, वो आज हम उमेश जी से जानेंगे। जो इस TM को चलाते हैं, काफ़ी समय से चलाते आ रहे हैं, सन 2002 से चलाते आ रहे हैं। उन्होंने बहुत सारी गाड़ियाँ चलाई हैं, टाटा अशोक लेलैंड, भारत बेंज तक की गाड़ियाँ चलाई। सब गाड़ियाँ चलाने के बाद वो अब टाटा की TM चला रहे हैं सन 2002 से। उनसे उनका एक्सपीरियंस जानेंगे, टाटा की गाड़ी के साथ क्या एक्सपीरियंस है, क्या उनको परेशानियां रही हैं और क्या उनको फ़ायदा लगता है। बहुत स्वागत है उमेश जी आपका हमारे चैनल पर। आप हमें आज इस TM के बारे में बताने वाले हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे हमारे साथ जी। तो कैसे हैं आप? ठीक हैं सर। गर्मी में थोड़ा बुरा हाल है? परेशानी तो है सर, क्या करेंगे सर। कितने समय से गाड़ी चला रहे हैं उमेश जी? हम तो सर 2002 से चला रहे हैं सर। कौन सी गाड़ी चला रहे हैं? टाटा भी चलाए, लीलैंड भी चलाए, भारत बेंज भी चलाए, सारी गाड़ी चलाए सर। कितने चक्का गाड़ी आपने चलाई? हमने तो 16 चक्का तक चलाया, अभी 22 तक का। अभी आपने जैसे मुझे पिछली वार्तालाप में बताया हुआ है कि आप 2002 से TM को चला रहे हैं। एक TM आप टाटा की आज लेने आए हुए हैं यहाँ पर, और टाटा की ही TM क्यों? टाटा की इसलिए कि सर हर एक चीज़ हमें अच्छी लगती है इसमें। चलिए घूमते फिरते हुए बात करते हुए चलते हैं कि टाटा में क्या अच्छा है और कैसे आपको पसंद है। जैसे कि आपने मुझे समस्या बताई एक कि जो आपके मालिक लोग हैं वो बिना AC की गाड़ी ले लेते हैं जी। अब इसके बारे में बताइए, मैं काफ़ी बार बोलता हूँ कि हर गाड़ी के अंदर एक AC आनी चाहिए, चाहे वो छोटी हो बड़ी। आनी चाहिए सर, क्योंकि हम लोग दिन रात ड्यूटी करते हैं सर जी। ठीक है सर, और हम ड्राइवरों के लिए मालिक सोचते नहीं है जी, क्योंकि उनको कमा के हमें देना है जी। ठीक है सर, इसलिए कि इस तकलीफ को हमारे, हम तो गरीब आदमी, ज़्यादा तो बात भी नहीं कर सकते हैं मालिक से, क्योंकि छोटी मुँह बड़ी बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है सर जी। ठीक है सर, इस वजह से जैसे भी चलते हैं वैसे तो अपना मुसीबत झेलना पड़ता है सर जी। अगर कंपनी वाले भी हम गरीबों पे थोड़ा सा ध्यान दे दे तो भी सही है सर जी। बस और क्या कहूँगा, यही आपकी दरख्वास्त ये है, मेरी भी दरख्वास्त ये है कि हर गाड़ी में AC कर दो। नॉन AC मॉडल ही नहीं होगा तो ना नॉन AC मॉडल बिकेगा और इस प्रकार की समस्या आनी ही बंद हो जाएगी। हालांकि बहुत ही थोड़ा सा फर्क है अगर आप AC और नॉन AC वेरिएंट लेते हो, 1 लाख से 1.5 लाख रुपए का। इसके अंदर म्यूजिक सिस्टम भी आ जाता है और AC भी आ जाता है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी आ जाते हैं, जिसमें सेफ्टी भी मिल जाती है और ड्राइवर की सुविधा भी मिल जाती है। तो शायद हम ड्राइवर जितने भी भाई हैं उनकी तरफ से दरख्वास्त करूँगा, जितने भी मोटर मालिक हैं, कृपया करके AC वाला वेरिएंट ले। इस भयंकर गर्मी के अंदर गाड़ियों के अंदर 24-24 घंटे बिताना बहुत कठिन हो जाता है ड्राइवर भाइयों के लिए, क्योंकि भूखे प्यासे गर्मी में कितना झेलेंगे सर, कितना झेल सकता है आदमी 8 घंटे। कहीं दुकान मिलते हैं, कहीं कुछ मिलते हैं, कभी बिस्कुट खा के, कभी पानी पी करके 24-24 घंटे गाड़ी चलाना पड़ता है सर जी। और जरा सा भी कहीं कुछ हो जाएगा तो मालिक कहते हैं कि ये कैसा है वैसा है। हम तो काम कर ही रहे हैं सर, मगर देखिए कि अगला तो सोचेंगे नहीं जी, क्या कैसे करना है, ड्राइवर को तो झेलना, हम गरीब आदमी है तो किसी तरह, तो अब जब मेरा पैसा फंसा पड़ा है तो हमें तो किसी तरह निकालना है। हम भी यही दरख्वास्त करेंगे कि नॉन AC मॉडल ही बंद हो जाए तो बेहतर है, एक AC वाला वेरिएंट आना ही आना चाहिए। कोई भी मॉडल, कोई भी गाड़ी हो टाटा में, सब गाड़ी टाटा में AC होनी चाहिए, सब गाड़ी, सब मॉडल AC वाला होना चाहिए, नॉन AC वेरिएंट आना ही नहीं चाहिए, आना ही चाहिए जी। चलिए इस TM के बारे में और बात करते हैं और भाई से, उमेश भाई से जानेंगे इस TM के बारे में। आप बताइए इस TM के अंदर, आप अशोक लेलैंड की TM से अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो क्या बेहतर है? अशोक लेलैंड की TM कहीं ना कहीं सस्ती आती है टाटा से जी, जी। तो वो बेहतर क्यों नहीं है और ये बेहतर कैसे पड़ जाती है? क्योंकि सर ये इसमें चलाने में कोई तरह का दिक्कत नहीं है। अशोक लेलैंड में दिक्कत है क्या? दिक्कत उसमें भी नहीं है, फिर अपनी अपनी फर्क पड़ता है लेने का और चलाने का सर, क्योंकि हमें तो पसंद पड़ता है ये गाड़ी चलाने में। एक ना एक एक स्पेकुलेशन सेट हो गया कि नॉर्थ में टाटा का दबदबा है, साउथ में अशोक लेलैंड का दबदबा है। अगर आप साउथ में जाएंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अशोक लेलैंड जो है मार्केट कैप्चर कर रखी है, इधर की तरफ जो है टाटा की थोड़ी सी कैप्चर है, अपने हरियाणा में, राजस्थान में, पंजाब में, इस तरफ थोड़ा टाटा का दबदबा है, वही एक फ़र्क है। बाकी गाड़ी दोनों सेम लेवल की है। हालांकि कीमत की बात करें तो 44 लाख रुपये जो है लगभग एक शोरूम इस गाड़ी की कीमत पड़ती है, सही कह रहा हूँ मैं जी? ये 44 लाख पड़ती है, इससे 1.5-2 लाख रुपये सस्ती ही पड़ती है अशोक लेलैंड की गाड़ी। लगभग सेम पावर के साथ आती है, 5.6 लीटर्स का कमिंस का इंजन इस गाड़ी के अंदर आ जाता है और जो कि आपकी 187 PS की पावर निकाल के देता है। और ये जो पीछे इसके हांडा लगा हुआ है, ये लगा हुआ है 7 क्यूबिक मीटर का। अच्छा, ये जो 7 क्यूबिक मीटर का हांडा है, इसे भी चलता है तो कितनी एवरेज देती है ये गाड़ी? एवरेज अगर हांडा ना चलेगा सर तो 3 की एवरेज दे सकती है जी। अगर हांडा चल जाएगा, पीछे माल लोडिंग होता ना सर, वो ज़्यादा खींचता जी, इस वजह से 3 का एवरेज दे सकती है। जब नहीं चलेगा तब तो 2 का एवरेज, 2 की एवरेज देगी। तो जैसा भाई उमेश भाई ने बताया, एवरेज 2 और 3 हांडे के साथ और बिना हांडे के साथ अगर आप लोगे तो इस हिसाब से पड़ेगा। आज आपको कभी ऐसी समस्या आई है कि टायर की जो गुड्डी है वो कट रही है, बहुत जल्दी टायर फट रहे हैं, या इस प्रकार की कोई समस्या? इसमें एक चीज़ देखा है सर हमने कि टाटा में थोड़ा सा स्टीयरिंग में फॉल्ट आता है, स्टीयरिंग के अंदर फॉल्ट आ रहा है, ठीक है, स्टीयरिंग में। और ब्रेक्स रेक में तो कोई तरह का दिक्कत नहीं है, स्टीयरिंग में बार बार फॉल्ट आता है। इसमें किस प्रकार का? इसलिए कि कभी जो है मोड़ माड़ पे कभी इधर उधर कटने लगा तो उसमें
कभी कट कुट का आवाज़ आता है और कभी स्टीयरिंग जाम हो जा रहा है। फिर सर्विस कैसे लेते हो आप? सर्विस फिर वो जाना पड़ता कंपनी में भेजना पड़ता है। कैसी है सुनवाई है कुछ? सुनवाई है तो वैसे ही है। सुनवाई में कोई समस्या? सुनवाई में वही है कि अभी बोलेंगे तो शाम तक में होगा सर। मतलब फिर भी ठीक ठाक सुनवाई कर लेते हैं, काम हो जाता है? बार बार और समस्या बार बार ले जाने तो नहीं पड़ती? नहीं नहीं बार बार नहीं सर, उसकी समस्या हो समाधान हो जाता। अच्छा, BS6 फेज 2 के बाद से डेफ रीजनरेशन वाला डेफ यूरिया वाला वो जो सिस्टम आ गया है जी, उससे कोई समस्या आ रही है आपको? नहीं तो कोई तरह की दिक्कत नहीं। कोई तरीके की दिक्कत नहीं। ये टाटा की गाड़ियों के अंदर मैंने सबसे सुना है आज तक अभी तक टाटा डेफ रीजनरेशन वाले प्रॉब्लम से नहीं जूझ रही है, इतना बढ़िया जो है टाटा की इंजीनियरिंग है फिलहाल डेफ रीजनरेशन वाले के अंदर। आइए पीछे चल के एक बार इसका डाला और ये सब देख लेते हैं, डाला कह रहा हूँ मैं, इसका हांडा देख लेते हैं। वैसे इसके अंदर यहाँ पे ये दो सूट लगे हुए हैं, ये अगर दूर कंक्रीट गिराना हो तो उसके काम आ जाता है। मुकेश जी से, उमेश जी से जानेंगे कि कैसे कैसे इसका ऑपरेशंस काम करते हैं। मुकेश जी, उमेश जी थोड़ा बताइए ना हमें कैसे काम करता है ये सब। ये सर सिस्टम क्या है कि सर कि जैसे हमारी गाड़ी यहाँ पे माल गिरना है सर जी, ठीक है सर जी, जैसे हमारी गाड़ी यहाँ दीवार पड़ रही है जी, नुकसान होने वाली है जी, उसको लगा करके हम यहाँ पे माल गिरा सकते हैं। अच्छा, इसका लेंथ जो है अशोक लेलैंड वगैरह में थोड़ा लंबा आता, छोटा आता या सेम साइज? नहीं सेम साइज है, सेम साइज ही मिलता सब कुछ, कोई किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, इसमें इसका स्टेटर का आ रहा है जो ये सब कुछ, और स्विंग का आ रहा है जो सारा सामान, ये जो हांडा वगैरह है ये दूसरी कंपनी का आता है उसके अंदर? वो तो अलग अलग सिस्टम का है। स्विंग का भी सही है, स्टार्टर का भी सही है, सीफा का भी सही है, और टाटा के सबसे बढ़िया बेस्ट लगा टाटा के हांडा। वैसे टाटा इसके ऊपर टाटा ब्रांडिंग करके देती है ये स्विंग का ही जी। काफी सारे अलग अलग वेरियंट आते हैं, क्या करती है ब्रांड जो है अशोक लेलैंड भी ऐसे ही करती है, खुद नहीं बनाती। ये हांडे वाला जो सिस्टम होता है पीछे सारा, ये सब कुछ जो है आफ्टर मार्केट लेती है और उसके बाद उनसे कॉन्ट्रैक्ट करके और बना के लगा के है ये कंपनी फिटेड ही, और उसके साथ मिलता है। वैसे गारंटी वारंटी कैसे मिल जाती है इसकी? गारंटी सही है तो कोई तरह का दिक्कत कोई समस्या किसी कोई प्रकार समस्या की कोई समस्या नहीं? हल्का फल्का तो होता ही है सर कि गाड़ी घोड़ा है तो थोड़ा चलता रहता है वो, तो वो सब चलता रहता है। अच्छा, इसमें छोटा डीजल का टैंक 190 लीटर का डीजल का टैंक है, डीजल से कोई समस्या थी कि छोटा टैंक दे रखा है? नहीं तो देखिए कि भाई वो तो चलने चलने के ऊपर है सर। आपने कभी इस प्रकार समस्या? नहीं तो कोई समस्या, तो वैसे भी लोकल चलती है, लोकल चलती तो उसमें अगर छोटा डीजल टैंक भी है इसमें तो दिन भर में वही लमसम सर 200-250 किलोमीटर चलना है बस उसमें, तो एक टंकी में आराम से हो जाएगा इतना, तो बहुत प्यार से हो जाएगा। एक टंकी के अंदर लगभग 380 किलोमीटर चलने की क्षमता रह जाती है इस गाड़ी के अंदर, वो भी अगर आप हांडा चला रहे हो तो। वैसे हांडे की सर्विस की जो डिटेल्स है वो आपको इसके ऊपर लिखी भी मिल जाएगी, फिर भी मैं आपको एक बार मुंह जवानी बता देता हूँ, जो इसकी फर्स्ट सर्विस होती है वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ लिखी मिलती है। 500 घंटे के हिसाब से होगी इसकी जो फर्स्ट हाइड्रोलिक ऑयल सर्विस है, गियर ऑयल सर्विस 150 घंटे में, और इंजन ऑयल की सर्विस होगी 50 घंटे के अंदर। उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी सर्विस है वो 2000, 1500 और 500 घंटे, ये हाइड्रोलिक गियर ऑयल और इंजन ऑयल के हिसाब से। उसके बाद रोलर ग्रीसिंग वगैरह सारी डिटेल्स जो इसके ऊपर लिखी ही हुई है। किसी प्रकार की समस्या आती है तो स्विंग का सेटर का जो कस्टमर केयर नंबर है वो भी लिखा हुआ है, उसके ऊपर आप कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि ये सिर्फ घंटे के ऊपर काम करती है, घंटे के हिसाब से चलेगी, जितने घंटे आप चलाओगे उस हिसाब से ये गाड़ी जो है चलेगी। अच्छा उमेश जी, आप मुझे बताइए कि इसका कैसे फंक्शन है? चलो मैं भी थोड़ा सा बता देता हूँ, गलत हो तो कहीं टोक दीजिएगा मुझे, गलत नहीं। अगर आप इस लीवर को इधर की तरफ खींचते हैं तो ये लोडिंग करके देता है, और अगर आप इसको इधर की तरफ खींच देते हैं तो ये माल नीचे फेंकता है। और घुमाने वाला जो सिस्टम है वो कैसे होता है उमेश जी? घुमाने के लिए सिस्टम वहाँ मोटर लगाया सर जी, वो मोटर के बारे में जानते हैं। आज ये इधर से आई है सर, इधर चलिए इधर से चलते हैं। ये मोटर हो गया सर जी, इंजन के द्वारा वहाँ से मोटर ये जो है जी, जितना देर तक ये बैरिंग घूमेगा इसके अंदर जी, मोटर सही रहेगा तो ये घूमता रहेगा जी, कोई तरह का दिक्कत। वैसे इसको स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर ये दिया हुआ है, इसमें चाबी लगती है, कितने घंटे चला है वो सब कुछ इसमें यहाँ सारा चीज़ बताएगा सर। और यहाँ पर ये क्या बताता है? वो तो मीटर बताता है, चार्जिंग मीटर है, ये ऑयल कितना है उसमें गेज पे, हाँ जी उसका मीटर है। और यहाँ से स्टार्ट करने के जैसे हीट हो जाएगा ना सर, ये अपने ऑटोमेटिक चलने लगेगा। और ये इसका रेडिएटर फैन है ताकि इसकी मोटर को कूल कर सके सारा, उसको ठंडा करने वाला जो सिस्टम कूलिंग सिस्टम वो इसके अंदर यहाँ पे दिया हुआ है। वैसे यहाँ पर ये है दे रखा है आपको मोटा वाला पानी के इनलेट, ठीक है सर निकल रहे हैं सर जी। उमेश जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत अच्छा इनपुट आपने दिया मुझे। उमेश जी को थोड़ी जल्दी थी इसलिए उनको जाना पड़ा, माफी चाहेंगे इसके लिए, बाकी मैं आपको कंटिन्यू करता हुआ बताता हूँ। यहाँ पर ये आपको दे रखा है, ये आपको कूलिंग सिस्टम दे रखा है इसी मोटर का, ताकि आपकी पूरी गाड़ी जो है गर्म ना हो और जो मोटर है उसकी भी सुरक्षा हो सके, वो ठंडी रहे। बाकी मैंने आपको बताया कि इसके अंदर आपको यहाँ पर ही मिलता है सब कुछ जो आपका ऑन और ऑफ करने के लिए। इसके अंदर ये घंटे वाला हिसाब किताब इसके अंदर मिलता है, ताकि कितने घंटे चलिए उस हिसाब से आप हिसाब लगा सके और सर्विस वगैरह करा सके। ये आपका ऑयल का आपका जो है कितना प्रेशर पे ऑयल जो है वर्क कर रहा है वो सब मिलता है। इसके अंदर अलग से चाबी आती है इसको स्टार्ट करने के लिए, प्रॉपर इंजन की तरह ये स्टार्ट होता है, और डीजल वहीं से लेता है जो मेन टंकी है उसी से, इसका कोई अलग से डीजल टैंक वगैरह नहीं है। बाकी इसका अलग से
स्टार्टर जरूर था वो ये था। ये वाला जो ऊपर टंकी है श्रिंक स्टार्टर लिखा हुआ, जिसके ऊपर ये 400 लीटर की पानी की टंकी है, पानी मिलाना पड़ता है, कंक्रीट है इसलिए, तो अगर उसमें पानी नहीं मिलाओगे तो कंक्रीट जो है सेटल हो जाएगा। वो पानी का इनलेट यहाँ से दे रखा है, हाई प्रेशर जो है इनलेट है, ये प्रेशर चाहिए इसको पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए, वरना पानी चढ़ेगा नहीं। 24 वोल्ट की दो बैटरी आती है और एक बड़ा सारा जो है एयर टैंक आता है, क्योंकि इसमें एयर ब्रेक्स आते हैं इसलिए काफ़ी सारी चीज़ें एयर पर काम करती हैं। ये जो आपका टायर है ये आपका यहाँ पर एक जोड़ी यहाँ पर एक जोड़ी यहाँ पर आपको मिलती है, और आपको सिंगल सिंगल टायर जो है आगे मिलते हैं। इसमें आपको MRF का, अपोलो का, जेके का तीनों ऑप्शन इसके अंदर मिल जाते हैं। साइज़ है इसका 295/95D20, मतलब 20 इंच का टायर लगभग समा मान लीजिए। हब ग्रीसिंग वगैरह जितनी भी ग्रीसिंग वगैरह है इसके अंदर वो सारी जो है 40,000 किलोमीटर पर एक बार होती है, उसके बाद सारी फ्रीक्वेंसी जो है 80,000 किलोमीटर पर शिफ्ट हो जाती है। अब इसके अंदर जो आपका जो टोटल GBW या रो वेट बता लो परमिसिबल, वो आता है 21,000 किलो के आसपास, क्योंकि ये 21-18 है, मतलब 21 टन जो है ये पासिंग के साथ आती है। 187 HP की पावर निकाल के देती है, वैसे 190 लिख सकते थे, 118 लिखने की जगह 28-19 लिखा जा सकता था, लेकिन 28-18 बोलने में थोड़ा सुंदर लगता है। इस प्रकार से ये गाड़ी दे रखी है। फ्लीट एज टाटा मोटर्स की जो टेक्नोलॉजी वो सब मिलती है। सिग्ना कैबिन के साथ ये गाड़ी आती है। जो वर्टिकल डोर हैंडल्स इस गाड़ी के अंदर मिलते हैं, बाहर से जो कुछ था वो था, बाकी इसके अंदर आपका जो ईट सिस्टम वगैरह वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, और ऊपर की तरफ जो है इसका एग्जॉस्ट का ऊपर की तरफ दिया हुआ है। बाकी जो नॉर्मल गाड़ियाँ आती है उसके अंदर नीचे की तरफ दिया होता है, लेकिन नीचे स्पेस नहीं है इसमें, इसलिए ऊपर दिया हुआ है उस हिसाब से। बहुत बढ़िया 5.6 लीटर का कमिंस का इंजन आता है। टाटा का इनहाउस इंजन वगैरह भी आता था, 28-21 वगैरह आती थी, वो सब कर दिया, 28-23 वगैरह कर दिया बंद, 28-25 वगैरह ये सब बंद कर दिया। अब सिर्फ 28-18 और 28-21 सिर्फ दो ही मॉडल इस गाड़ी के अंदर फिलहाल TM के अंदर मिल रहे हैं। बाकी जो TM रात बिरात चलती है इसलिए इसके नीचे यहाँ पर पेडल लैंप्स वगैरह भी दे रखे हैं, ताकि ये जो अच्छा फीचर है, ये जो सेफ्टी का फीचर है, यही इसको स्टैंड आउट कराता है बाकी गाड़ियों से। इसलिए उमेश जी की वाली बात है कि टाटा की गाड़ियों में सब अच्छा है सिवाय AC वाला, जो उनका जो दुख है AC वाला वो हम महसूस करते हैं हर रोज़ हर समय। इस कार की गर्मी के अंदर वीडियो बनाना बहुत कठिन है, आप लोगों के लिए बनाते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए इस चैनल को। बाकी आपको अंदर चल के बताता हूँ कि अंदर से क्या क्या मिलता है। एक बार अंदर जाने से पहले दिखाऊंगा कि अंदर जाना कितना आसान है कितना मुश्किल है, छोटी मोटी चीज़ें और भी चीज़ आपको बताता हूँ चलूँगा। एक तो ये कि ये जो हैंडल है लोहे के, ये गर्म हो जाते हैं आपकी गाड़ी अगर धूप में खड़ी रहती है तो। मेरी हाइट है 5'10" और बहुत चढ़ना बहुत आसान है, तो जैसा मैं कह रहा था कि गर्म हो जाते हैं, ये गर्म हो जाते हैं तो उनको पकड़ के चढ़ने में दिक्कत आती है। तो ये फाइबर के अगर आ जाते तो गर्म नहीं होते तो मज़ा आता है इसको पकड़ के ऊपर चढ़ने में, उसमें समस्या नहीं आती। बाकी इधर आपको जो PTO मिलती है ये मिलता है यहाँ पे, ये सारे ऑप्शन मिलते हैं ताकि आप उसको डाले को चला सके, ऑपरेट कर सके। छोटी बहुत चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है। PTO के साथ आती है गाड़ी ऑब्वियसली, वरना बिना PTO के ये चलेगी नहीं। गाड़ी के अंदर AC नहीं है, नॉन AC वेरियंट है, और इसका दुख उमेश जी के चेहरे पर और मेरे चेहरे पर आपको नजर ही आ रहा होगा कि कितनी गर्मी है। बाकी यहाँ पे आपको 1 लीटर की पानी की बोतल, थोड़ा बहुत सामान वामाना जो आप यहाँ रख सकते हो रख सकते हो। आपका जो स्टीयरिंग व्हील है वो आप ऐसे टिल्ट और टेलीस्कोपिकली दोनों जो है एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन उमेश जी का कहना है कि इसके अंदर थोड़ी बहुत आवाज़ वगैरह आती है, वो टाटा को देखना चाहिए। हम इसको चलाते नहीं है तो इसको अच्छे से बता नहीं पाएंगे कि किस प्रकार की आवाज़ें वो आती हैं। जो आपका एक्सेलेरेटर है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे दिया हुआ है, और इलेक्ट्रॉनिक के साथ साथ आपको जो है क्रूज़ कंट्रोल का मॉड्यूल भी इसके अंदर दिख जाएगा, क्योंकि गाड़ी क्रूज़ कंट्रोल से लेस आती है अगर आपको लंबी दूरी पे जाना है। क्रूज़ कंट्रोल फटीग से बचाता है, इस बात को मैं हमेशा बताता हूँ। बाकी गाड़ियों की तरह इस गाड़ी की स्पीड लिमिट 80 पे नहीं 60 पर बाध्य है। आइए एक बार अंदर आ जाइए, मैं आपको अंदर से बताता हूँ। जैसे कि यह गाड़ी 28-18 है तो इसके अंदर 28,000 किलो का GVW और कुछ 21,000 किलो के आसपास जो है रो परमिसिबल वेट इसके अंदर निकल के आता है। बाकी गाड़ी के अंदर AC नहीं है, नॉर्मल फ्लो वाला डिज़ाइन है। ये सब जो आपको ब्लोवर्स के ऑप्शन आपको इसके अंदर दिख रहे होंगे, और इसके अंदर कोई 2D इनकम सिस्टम वगैरह नहीं है। यहाँ से आप ब्लोवर्स को आप चला सकते हो और बंद कर सकते हो। यहाँ पर आपको जितने भी लाइट मीडियम और हैवी तीन मोड्स दिखे नजर आएंगे, और गाड़ी इनिशियली हैवी मोड के अंदर ही स्टार्ट होगी। बाकी जो सिग्नल कैबिन वही सब सिस्टम यहाँ पे नजर आएंगे, डेफरी जनरेशन वगैरह के ये छोटी मोटी चीज़ें आपको यहाँ पे नजर आएंगी। बाकी इसके अंदर जो MID है ये पार्ट शेयरिंग का हिस्सा है, पार्ट शेयरिंग के हिस्से के अंदर आपको सेम टू सेम MID नजर आएगी कि आपकी एवरेज फ्यूल इकोनॉमी कितनी आ रखी है, हैवी मोड के अंदर है, कौन से गियर के अंदर चल रही है, कितना एयर प्रेशर टैंक है, कितना डेफ टैंक है, क्या सीन है, इधर आपको डीजल कितना बचा हुआ है, क्या स्पीड चल रही है, क्या गाड़ी का टेम्परेचर और कितने RPM पे चल रही है। बाकी मीटर इतना स्मार्ट है कि आपको बता देगा कि कौन से गियर के अंदर गाड़ी चलानी चाहिए, क्या समय हो रहा है ये भी बता देगा, कितना ओडोमीटर कितने किलोमीटर चली है, क्या ट्रिप चला हुआ, ये सब कुछ आपको इसके अंदर नजर आएगा, जो कि बेहतरीन मीटर बनाता है इसको। ये आपका क्रूज कंट्रोल के ऑप्शन यहाँ भी नजर आ जाएंगे, यहाँ से ऑन और ऑफ आप क्रूज कंट्रोल को कर सकते हैं। क्रूज कंट्रोल फटीक को बचाता है, मैं हर बार ये चीज़ें बताता हूँ आपको, और यहाँ पे इसके वाइपर वगैरह के ऑप्शन वगैरह मिल रहे हैं। एक कमी और जो इस गाड़ी में जो उमेश जी ने बताई थी मुझे, वो आपको बताना से वंचित रह गए, वो ये
इसका जो शीशा है, इस शीशे के अंदर आपको जो प्रोक्सीमिटी मिरर मिलता था वो यहाँ पे मिलता है जस्ट इसके बाहर, लेकिन अब वो मिरर मिल रहा है उस कोने के अंदर उस दरवाजे के पास, मतलब बाहर की तरफ। तो उससे ये समस्या आती है कि नीचे ढंग से नज़र नहीं आता और देखने के लिए भी पूरे नज़र को उधर घुमाना पड़ता है। तो यहाँ वाला जो शीशा था उसमें नज़र रखना ज़्यादा आसान था, तो वो एक समस्या उनको लगी कि यार उधर शिफ्ट कर दे तो ठीक नहीं है। हालांकि वो डिपेंड करता है, अगर मैं इस गाड़ी को पहले चलाऊंगा और उसके बाद मेरे को नई गाड़ी में वो मिल जाएगा तो मुझे समस्या उसमें भी लगेगी। बाकी जो नॉन एसी गाड़ी है उसके अंदर यहाँ स्टोरेज यूनिट का हिसाब किताब नहीं मिलता। डे कैबिन वाली ये गाड़ी है, स्लीपर कैबिन इस गाड़ी के अंदर आते नहीं है, वो भी एक समस्या है। अब जस्ट आप इंजन के ऊपर बैठे हो तो भभका और गर्मी जो है इस गाड़ी के अंदर काफ़ी हो जाती है। जी 750 का गियरबॉक्स, 6 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स के साथ जो है ये आता है। बाकी इस गाड़ी के अंदर और कुछ ज़्यादा आपके लिए साझा करने के लिए नहीं अंदर से, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा फीचर्स वगैरह नहीं आते हैं। बस एक चीज़ की कमी मुझे लगी, एक ये जो शीशा है, ये जो सन ब्लाइंड्स हैं, ये किसी भी प्रकार का काम का नहीं है, बिल्कुल मतलब हल्की क्वालिटी का और बहुत छोटा है। साइड में भी करता हूँ तो इतनी जगह जो है ये छोड़ देता है, तो ये भी कामयाब नहीं रहा मुझे इस हिसाब से। तो ये एक छोटी सी कमी मुझे इस गाड़ी के अंदर लगी। प्लस अगर इस गाड़ी के अंदर एसी आ जाए तो बेहतर हो जाएगा। स्टोरेज के लिए कोई जगह नहीं है, मुझे एक पानी की बोतल दरवाजे के अलावा मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं रख सकते, सारी जगह जो है ख़राब हो रखी है। यहाँ पर अगर कुछ कुछ सामान मैं रख लेता तो बेहतर होता। हाँ, लाइट मुझे बहुत पसंद आई इसकी, जो है टच वाली लाइट है, बटन दबाने वाली, अंदर दबाओ और लाइट जलाओ वो वाली। तो इस प्रकार की ये गाड़ी है। अगर आप हर गाड़ी के अंदर स्टैंडर्डाइज्ड एसी वेरिएंट्स दे देंगे तो ड्राइवर भाइयों को इस प्रकार से एक्सप्लॉइट नहीं किया जाएगा। मैं दरख्वास्त करूंगा बाकी सभी ब्रांड से टाटा के अलावा कि अपनी सभी गाड़ियों के अंदर स्टैंडर्डाइज्ड एसी दिया जाए। धन्यवाद, फिर से मुलाकात होगी ऐसी एक और वीडियो के अंदर।